अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से उस्मान मोहम्मद खान आज आपको हैदराबाद पटनचेरू चिन्ना कंजरला इलाके की मस्जिद बता रहा हूँ, जिसके भी बाउंड्री पे पूरी प्लॉटिंग हो गई है। ये मस्जिद को भी कमरे की शक्ल दे देंगे, इसमें पूरे यहाँ के लकड़ी जितना भी स्क्रैप होता एक स्टोर रूम के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं, वक्फबोर्ड से 35 किलोमीटर पे है, बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद है और हैदराबाद में है ये मस्जिद। मैं अब आपको इसके अंदर लेके जाऊंगा, अंदर बताऊंगा आपको। अंदर का बताइए। काफी खूबसूरत, काफी मजबूत मस्जिद है, उसमें पूरा फेंसिंग के वायरा लकड़ियां पूरी गंदगी डाल दे के उसमें जानवर बन रहे हैं। वक्फबोर्ड को चाहिए इस पे तवज्जो दे, ऐसे मस्जिदों को रिपेयर करवा के इसकी फेंसिंग करा दीजिए। काफी मजबूत और काफी खूबसूरत तीन खाने वाली खुतुबशाही मस्जिद है ये, इसकी खूबसूरती देखिए आप, अभी काफी मजबूत है। हमारे पूछने पे ये मालूम हुआ कि इसकी प्लॉटिंग हो गई है पूरी, ये गेटेड कम्युनिटी बना दी है इसको और यहाँ पे पूरे प्लॉट्स बन गए। सिर्फ अब ये मस्जिद बीच में बची हुई है जिसको एक स्टोर रूम के हिसाब में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वक्फबोर्ड को चाहिए कि ऐसे मस्जिदों को तहफ्फुज करे, यहाँ का जो भी ऑफिसर रहता है उसको देखना चाहिए। इसकी अराजी तो लुट रही है, अभी खुले प्लॉट से आप इसका भी पोजीशन ले सकते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, तो मैं वक्फबोर्ड से मुतालबा करता हूँ कि इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और हमारे कायदीन भी इस पे एक्शन लीजिए। देखिए आप पूरा मस्जिद में जानवर मान रहे हैं, तो मैं वक्फबोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ इमीडिएट अपनी टास्क फोर्स को भी जाके, इमीडिएट अपने ऑफिसर्स को भी जाके इसकी कितनी जमीन है और ये मस्जिद का गजट क्या है हर चीज डिटेल दीजिए और इस पे एक्शन लीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ चलो।